हाउस हेल्पर के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। और अभी मैं फिर से किचन में हूँ एज यूजुअल, और जनरेटर चल रहा है तो उसका बहुत नॉइस है। और आज मैं बहुत कुछ बना रही हूँ किचन में अपनी हाउस हेल्पर के साथ। और मेरी हाउस हेल्पर जो है वो शर्मा रही है यहाँ पे खड़ी होके। तो अभी हम दोनों बना रहे हैं, कढ़ाई मैंने बना दी है वो आपको दिखाती हूँ। अभी मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ और वाइट सॉस पास्ता भी बनेंगे। और यहाँ पे मैंने जो जो काम कर लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और बाकी डिटेल मैं आपको बाद में दूँगी। कढ़ाई यहाँ पे रेडी कर दी है, कढ़ाई रेडी है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्राइड राइस का अंडा भी मैंने फ्राई कर दिया है, और यहाँ पे फ्राइड राइस का मसाला रेडी हो रहा है। मैंने इसमें डाला है जी, फ्राइड राइस की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, लेकिन वो एग फ्राइड राइस है। यहाँ पे मैं चिकन फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो रेसिपी सेम है। जस्ट आपने इसमें टमाटर भी ऐड करना है और चिकन भी ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैंने प्याज का को ब्राउन किया, उसमें फिर मैंने गार्लिक ऐड की, और उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाली। टमाटर भी चिकन के साथ ही मैंने इसमें ऐड कर ली, और अभी मैं इनको भून रही हूँ। और ये भून चुका है तो मैं इसमें बाकी की सब्जियाँ भी डाल दूँगी। बहुत तकड़ मची हुई है, और शुक्र है कि मेरे साथ हेल्पर है, वरना अकेली मैं नहीं कर पाती। अगर अकेली होती तो मामी मेरी हेल्प ज़रूर कर लेती। तो अभी हम इसमें अपनी सब्जियाँ ऐड कर देंगे। तो सब्जियों में सबसे पहले मैं इसमें कैप्सिकम और गाजर ऐड कर रही हूँ। ये मुझे मेरी हेल्पर ने कट करके दिए हैं, जो यहाँ पे हेल्पर है, हाउस हेल्पर हमारी, उन्होंने हमें ये कट करके दिए हैं। तो इनको थोड़ा सा पकाएंगे, और थोड़ी देर बाद हम इसमें बंद गोभी भी ऐड कर लेंगे। मसाले मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किए हैं, मसाले इसमें बाद में ऐड होंगे। पहले ये सब्जियाँ वब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ, भून जाएँ। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, ताकि हमारी सब्जियां जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। नमक पे ये सॉफ्ट हो जाती हैं, मैंने देखा था यूट्यूब पे ही। तो नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें और तो कोई मिर्चें डलेंगी नहीं, बस मैं इसमें काली मिर्ची डालूंगी, तो वो मैं थोड़ा सा इसमें बाद में ऐड करूँगी। मज़ेदार हमारी सब्जियां भुन रही हैं चिकन के साथ। चिकन मैंने इसमें बॉयल करके ऐड किया है, अगर आप चाहें तो आप इसी ऑयल में चिकन को पहले भून सकते हैं। मैं सब्जियों को भून रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इनको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर सब्जियों को गला भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जियाँ थोड़ी सी कच्ची कच्ची पसंद की जाती हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला। और अभी हम इसमें अपनी बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें बंद गोभी भी डाल दी है। अब मैं इसमें ये शान के जो तीखी काली मिर्च, वो भी ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं चावल बहुत ज़्यादा बना रही हूँ, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डाला है काली मिर्च, क्योंकि इसमें और कोई मिर्च मैं ऐड नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो कलर थोड़ा सा फिर चेंज हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया। ये देखें जी, कितना प्यारा प्यारा सा कलर आया है इसका। और अभी मैं इसमें अपना ये फ्राई किया हुआ एग भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि वैसे तो इसमें लास्ट में ही ऐड करते हैं, लेकिन मैं अभी ऐड कर देती हूँ विथ ऑयल। इसमें जो थोड़ा सा ऑयल था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से ऑयल वगैरह रख सकते हैं जितना आपको चाहिए, क्योंकि मुझे तकड़ी थोड़ी, इसीलिए मैं सारा काम बस साथ में कर रही हूँ। और अब बारी आती है इसमें सिरका ऐड करने की, क्योंकि चाइनीज़ में भाई विनेगर वगैरह तो ऐड होते ही हैं, और जो है वो सॉसेस ख़त्म हो चुके हैं, अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं ऐड नहीं कर रही। लेकिन अगर आपके पास तीनों सॉसेस अवेलेबल हो जाएंगे
विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस, तो आप तीनों ही इसमें ऐड करिएगा अपने अपने हिसाब से। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। तो फ्राइड राइस का ये मसाला बड़ा यमी सा रेडी हो चुका है। तो अब इसमें बस चावल ऐड होंगे बॉयल किए हुए। यहाँ पे चावल हो रहे हैं बॉयल और यहाँ पे मैक्रोनी बॉयल हो रही है। वाइट सॉस पास्ता बन रहा है तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बॉयल करनी रख दी है। वाइट सॉस पास्ता की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत यमी से पास्ता रेडी होते हैं। उसमें मैंने जो है वो स्पेगेटी पास्ता यूज़ किए हैं। आप मैक्रोनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आज जो यूज़ कर रही हूँ वाइट सॉस पास्ता में, वो मैं मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ। तो मैक्रोनी भी बस बॉयल हो रही है और कढ़ाई भी बन चुकी है, फ्राइड राइस भी बस बनने ही वाले हैं और वाइट सॉस पास्ता तो बस 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो काम हो रहा है जैसा जैसा, मैं आप सबके साथ शेयर करती जा रही हूँ। और प्लीज़ जनरेटर के आवाज़ को आपने करना है इग्नोर, क्योंकि भाई लाइट नहीं है तो जनरेटर मस्त चल रहा है। और ये देखिए कितना यम्मी मसाला रेडी हुआ है। बस अभी इसमें राइस हमारे ऐड होंगे, फिर मिक्स करके इनको देंगे दम। तो ये हमारे वाइट सॉस पास्ता भी रेडी हो चुके हैं, बहुत यम्मी टेस्टी मज़ेदार। कढ़ाई भी रेडी और बस फ्राइड राइस को थोड़ा सा दम आएगा, उसके बाद ये भी रेडी और मैं फ्री। फाइनली बहुत मेहनत के बाद हमारे फ्राइड राइस भी रेडी हो चुके हैं, बड़े यमी मज़ेदार। और बस अभी सर्व करेंगे खाना। ये अभी फबिया जो है वो रड़ियां कर रही है, रड़ियां। वो आ गई, आ गई। हाय हाय तो कर ना फिर। तो अभी मैं फ्री होके बैठी हूँ और आज मैंने अपने भाइयों की फरमाइश पूरी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने भाइयों की फरमाइश पूरी करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो शायद मेरा आज यहाँ पे आखिरी दिन है, फिर उसके बाद आऊँगी, लेकिन रहने यहाँ पे मैं 5-6 दिन रही हूँ। तो आज मेरी यहाँ पे आखिरी रात है, तो मैंने सोचा कि सबकी फरमाइश पूरी करते हैं आज। हाँ जी, सो लाइट जा चुकी है और आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। हालांकि हमारी जो हाउस हेल्पर है उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की और फिर भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज मैंने अपने भाइयों की जो है फरमाइश पूरी की थी। वो बोल रहे थे कि एक कोई चीज़ बनाओ, इतनी चीज़ें मत बनाओ, बस कोई एक चीज़ बनाओ। लेकिन मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ, मैं कल चली जाऊँ मम्मी वालों के घर और वहाँ से फिर मैं जामशोरी चली जाऊँगी। और बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ पे ब्लॉग्स बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। यहाँ पे बहुत बिज़ी रूटीन होती है, मेरी बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन होती है। तो आज मैंने चिकन फ्राइड राइस बनाए थे मेरे भाई की फरमाइश पे और वाइट सॉस पास्ता बनाए थे मैंने अपने छोटे भाई की फरमाइश पे। और मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी अपने छोटे भाई अब्बास की फरमाइश पे। तो बाकी सब ने तो खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है। थक गई थी थोड़ी सी, तो इसीलिए मैंने खाना जल्दी जल्दी से खा लिया। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा और अभी बस मैं ऐसे ही आराम करना हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं स्टिंग पीऊँगी। भाई मैं जब थक जाती हूँ तो मुझे स्टिंग लाजमी चाहिए। आप सबको किसी को चाय की होगी ना, कॉफ़ी चाय, जो थक जाता है सर में दर्द होता है, मुझे स्टिंग चाहिए। और कोई कोल्ड ड्रिंक भी नहीं चलेगी, स्टिंग ही चलेगी। स्टिंग से ही मुझे एनर्जी आती है और स्टिंग पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी से जाएगी, आई डोंट नो। तो बस चलें, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलूँ। 2000 years later. Hi guys, welcome back.
एंड एज यूजुअल दिस इज द नेक्स्ट डे, और बैकग्राउंड से आप समझ ही गए होंगे कि मैं अलीशा के घर आ गई हूँ। सीधा बस नानी वालों के घर से मैं अम्मी वालों के घर गई, और वहाँ से तो बस थोड़ा ही दूर है, बल्कि दूर ही नहीं है, बिल्कुल नेक्स्ट जो घर है वो अलीशा का ही है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, रात हो चुकी है और मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ। तो वीडियो मैंने एंड नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। और उस दिन मैं इतनी थक गई थी, बल्कि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने व्लॉग जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी थी। मुझे अपनी नानी की भी देखभाल करनी होती थी, और उसके बाद मैं अपने भाइयों के लिए कुछ ना कुछ कुकिंग करती ही रहती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरे भाइयों की फरमाइश पूरी करना। वैसे भी जब वो छोटे थे और मैं होती थी उनकी बड़ी बहन, तो मैं उनके लिए बनाती रहती थी, कभी फ्राइज, कभी कुछ मैं उनके लिए बनाती थी जब मैं उनके साथ रहती थी। तो फिर मेरी शादी हो चुकी है, और शादी के बाद अब जब भी वहाँ पे जाती हूँ तो मैं उनकी कोई ना कोई फरमाइश पूरी करती रहती हूँ। ज़्यादा तो बिरयानी बनवाते हैं वो, क्योंकि उनको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस बार सबकी अलग अलग फरमाइश मैंने एक ही दिन में पूरी की, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारी जो है हाउस हेल्पर, मेरी हमारी जो मासी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए पॉसिबल हो पाया मेरे लिए एक ही दिन में तीन तीन डिशेस बनाना एक ही टाइम पे। तो बस हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, उनको डिशेस बहुत पसंद आई, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। और जहाँ पे आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तो उनके लिए जो कुछ करने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब मेरे भाई वो खाते हैं चीज़ में उनके लिए जो बनाती हूँ, और वो मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं, वो थकते नहीं हैं तारीफ़ करते करते, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और जब वो तारीफ़ करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसीलिए मेरा दिल करता है कि मैं बार बार उनके लिए कुछ ना कुछ बनाऊँ। तो लोगों को आपने अप्रिशिएट करना चाहिए, जो आपके लिए इतना करते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बस ये थी मेरी वीडियो आज की, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और फ़िलहाल इसी वीडियो से काम चला लीजिएगा। बस इंशाल्लाह कल मैं वापस चली जाऊंगी जामशोरो, और फिर इंशाल्लाह वहाँ से व्लॉग आएंगे और कंटिन्यू करूँगी व्लॉग्स। बस कभी कभी ज़िंदगी बिजी हो जाती है, तो इसीलिए व्लॉग्स बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो अभी कोशिश करूँगी कि रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँ और आप सबको एंटरटेन करती रहूँ, और आप सब मुझे मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दें, कमेंट्स में अपना प्यार दिखाएं, शेयर करें, लाइक भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने। तो बस जी, इसी के साथ ही ये वीडियो आज की करेंगे एंड। आई होप आपको पसंद आएगी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।